भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में झारखंड के विकास के लिए दिल्ली और रांची में भाजपा सरकार के डबल इंजन ने मिलकर के काम किया है। भाजपा के डबल इंजन का झारखंड को कैसे लाभ हुआ है, इसका हिसाब जानना जरूरी है। 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, दोस्तों आपका उत्साह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, देखिए अभी तो मतदान के दिवस तक बहुत काम करना है, इतने नारे लगाओगे तो थक जाओगे। मैं आपके प्यार, आपके आशीर्वाद का आभारी हूं। धन्यवाद धन्यवाद भैया, मैं बोलना शुरू करूं? आप लोगों की ताकत इतनी जोरदार है, आप लोगों का उत्साह इतना है, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इस प्यार के लिए। मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। साथियों, 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसने झारखंड के लिए जितने रुपए दिए उसका कई गुना बजट झारखंड सरकार को दिल्ली की भाजपा की सरकार ने दिया है। इसमें भी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना, उसको बेहतर बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आज झारखंड में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत करने वाली परियोजनाएं तेजी से चल रही है। भाइयों और बहनों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी झारखंड में करीब 2600 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने थे, लेकिन 5 वर्षों में ही करीब 700 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे या तो बन चुके हैं या बहुत जल्द पूरे होने की तैयारी में है। इसी तरह रेलवे को मजबूत करने के लिए के भी अभूतपूर्व और तेजी से यहां काम हुआ है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अपनी सरकार के 5 साल में झारखंड के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि भाजपा सरकार के दौरान बीते 5 वर्ष में इसका 5 गुना यानी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को मिला है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 2014 से पहले के 5 वर्ष में जहां 300 किलोमीटर से कम रेल लाइनें चालू हुई, वहीं केंद्र में
भाजपा शासन के दौरान झारखंड में करीब 700 किलोमीटर लाइनें खोली गई, यानी सीधे सीधे दो गुना से अधिक का काम रेलवे लाइनों के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, यहां सीएनजी जैसी प्रदूषण रहित आधुनिक व्यवस्था भी झारखंड के अनेक शहरों में विकसित की जा रही है। इसके लिए गैस पाइपलाइन से झारखंड को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का भी बहुत बड़ा लाभार्थी झारखंड है, ये हमारा जमशेदपुर है। उज्ज्वला योजना के तहत यहां के लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। अब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भी पाइप से सस्ती गैस देने का काम तेजी से चल रहा है।